मुख्तार अंसारी को एक जेलर के ऊपर पिस्टल तानने के मामले में सजा सुनाई गई है, और वो जेलर कौन थे, क्यों ये घटना हुई थी और घटना आखिर था थी क्या, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड जेलर एस के अवस्थी साहब मौजूद हैं और इन्हीं के साथ वो घटना हुई थी। सर, क्या मामला था, उस मामले में सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को? देखिए, ये 2002 का, मैं 2002 और 3 में यहाँ रहा हूँ जी, ये 2003 का मैटर है। ये मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए कुछ लोग आए थे, मैंने उसको मुलाकात रोका, उसके पश्चात जब ये आ गए, गेट पर आ गए और इन्होंने प्रेस किया तो वो लोग अंदर आए, उनके पास पिस्टल थी। मैंने तलाशी लेने के लिए भी जब बाध्य किया, वो कहा कि नहीं, तलाशी लेके ही अंदर जाएंगे, इस पर वो बिगड़ गए। आपने कहा रोका टोकी करते हैं और उन्होंने उससे छीन कर पिस्टल निकाल दी। अच्छा, इस तरह की बात घटना घटित हुई। आपके ऊपर पिस्टल तान दी थी, इस बात को लेकर कि आपने उनसे मिलने वाले लोगों को रोका क्यों और तलाशी को? जी जी जी, यही बात। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद फिर आपने क्या कार्रवाई की, क्या कुछ किया उसके बाद? उसके बाद मैंने, चूंकि इन्होंने थ्रेट किया था, पिस्टल निकाल ली थी, बड़ी घटना हो गई थी। यहाँ पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी, एक आर के तिवारी जी सुपरिंटेंडेंट थे, उनका मर्डर यहाँ हो गया हो चुका था, इसी जेल गवर्नर हाउस के पास में हुआ था, अशोक गौतम जेलर था, उसका मर्डर हुआ था। चूंकि घटना बड़ी हो गई थी इसलिए मैंने अपने अधिकारियों को अवगत कराया और उसके पश्चात मैंने FIR आलमबाग थाने में दर्ज कराई। जो FIR आपने दर्ज करवाई थी उसी का ये फैसला सुनाया गया? उसी का फैसला है। फैसला तो आ गया, फैसले पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना? नहीं, प्रतिक्रिया क्या है, ये तो देखिए बहुत देर हो गई, जो बीच में हुआ रिटायरमेंट होने के बाद ही मेरे इसमें फर्दर करस्पेंडेंस हुआ, तो मैंने तो उसमें कुछ कोई कार्रवाई, डेड हो गई थी वो, तो गवर्नमेंट के तरफ द्वारा अपील की गई और उन्हीं का, मेरे संज्ञान में भी नहीं था। कल मुझको फ़ोन जब आया तब मेरी जानकारी में आया कि उस मामले में सजा हुई। मुख्तार अंसारी के, सर आपने वो दौर भी देखा है जिस दौर में जिसकी इतनी हिम्मत थी कि वो जेलर पर पिस्टल तान दे, और ये दौर भी आप देख रहे हैं कि जहाँ भागा भागा फिर रहा है, बचता हुआ फिर रहा है, इस दोनों दौर में, इस समय में कुछ बदलाव आप महसूस कर पाते हैं? देखिए, समय समय की बात होती है, गवर्नमेंट बदलती रहती हैं, गवर्नमेंट के ही एक्शन रहते हैं, जैसे होता है उसी पर ही आदमी का मनोबल बढ़ता है और आदमी दबता है। एक आखिरी सवाल है कि जिस दौरान आप वहाँ पर जेलर थे तो मुख्तार अंसारी का क्या दबदबा था, कैसा रहन सहन था और क्या अंदर सुविधाएं उसको कोई मिलती थी या कोई स्पेशल ऑर्डर आता था कहीं से? नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, घटनाएं सामान्य ही, मतलब रहता सामान्य ही था, लेकिन अंडर स्टूड है कि उसकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भी हमें सोचना पड़ता था कि हम उसको सेपरेट ही रखते थे, क्योंकि हम उसके सबके साथ में मिक्सअप यदि रखेंगे उसे तो कोई बड़ी वारदात हो सकती है। उस मैं तो हर एंगल से देखना है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, कोई हादसा उसके साथ भी हो जाता है तो वो प्रशासन के लिए भारी होगा। तो हमारा दृष्टिकोण, उस सुरक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए हम उनको रखते थे और ऐसा कोई नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी, ये आकस्मिक घटना थी। मतलब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि बड़ा माफिया था, सरकार भी पक्ष में कहीं ना कहीं रहती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कहीं से कोई ऐसा प्रभाव पड़ता हो। और जहाँ तक मुलाकात का प्रश्न है, कुछ सामान्य मुलाकात तो बढ़ जाती हैं, कुछ होते रहते हैं, VIP जा जाते हैं, कभी कभी आते हैं, तो वो मुलाकात शासन के अंग लोग बात आते हैं। आप मिनिस्टर मिलने के लिए आ रहा है, मिनिस्टर भी उस समय आते थे कि नहीं? उस समय की ये लंबा पीरियड हो गया, 2003 की बात है, तो 2003 में तो आते क्यों नहीं थे, स्पेशली मुख्तार अंसारी से मिलने आते थे। हाँ हाँ हाँ। देखिए, एस के अवस्थी साहब हैं और कह रहे हैं कि दौर, वक्त और समय की बात है, वो दौर और था, ये दौर और है, सरकारें बदलती हैं तो कई सारी चीज़ें भी बदल जाती हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी का दबदबा, ये यूँ कहें कि उसके अंदर हिम्मत कितनी थी, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा जेलर, जिस जेल में मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद था, उसके जेलर ये मौजूदा समय पर थे और उसके बाद भी मुख्तार अंसारी ने अपने समर्थकों के जरिए लाई हुई पिस्टल इनके ऊपर तान दी थी, उसी का मुकदमा दर्ज करवाया था इन्होंने आलमबाग थाने में और उसी पर ये सजा सुनाई गई है। और ये भी कह रहे हैं कि दबदबा या ये कहें कि खौफ रुतबा इस कदर था कि मौजूदा सरकार के जो मंत्री वगैरह थे या फिर जो बड़े लोग थे वो भी मुख्तार अंसारी से मिलने आते थे। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत, लखनऊ।